एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर आज पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आंखों के लिए बहुत ही सुंदर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, आंखों के सभी रोग दूर कर सकते हैं, चश्मे के नंबर कम कर सकते हैं। तो आइए आंखों की पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं। आंखों के अंदर जो आई बॉल्स हैं, काली टिकिया है, उसको गति देना है। गर्दन बिल्कुल स्थिर रहेगी। यस, एक्सरसाइज नंबर वन, श्वास भरते हुए आंखों के गोलक को ऊपर की ओर ले जाएं, छत को देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर देखें, अप डाउन, अप डाउन, अप, होल्ड करें, डाउन, अप डाउन। इस तरह एक एक्सरसाइज 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर टू, श्वास भरते हुए आई बॉल्स को राइट साइड ले जाएं, राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, संपन्न। अब श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए राइट, गर्दन स्थिर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, संपन्न। हर क्रिया को हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज आई बॉल्स को घुमाएं गोलाकार, अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घुमाएं, एक्सरसाइज नंबर 4, अब राइट में ऊपर और लेफ्ट में नीचे तिरछी नजर, राइट में अप लेफ्ट में डाउन, राइट में अप लेफ्ट में डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, गर्दन स्थिर, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। अब श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ दें, बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर रोक दें, आंखों को तेजी से टिमटिमाएं, फास्ट स्टॉप, श्वास भरें, आंखें बंद करें, रिलैक्स रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पुनः तैयार, 2 अंगुलियों का सहारा लें, आंखों के चारों ओर जो गोलाकार हड्डी है कटोरी नमा, उस पर क्लॉकवाइज मालिश करें, पूरा प्रेशर क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, अच्छे से घुमाएं, भौं से लेते हुए गोलाकार, आराम से, अब उल्टी दिशा में स्लोली स्लोली, संपन्न, रिलैक्स, आंखें बंद, श्वास मंद, तैयार। राइट हाथ को सामने की ओर रखें, अंगूठा ऊपर की ओर रखें, त्राटक आंखों के लेवल में, अब चक्र की लगाकर राइट हैंड के अंगूठे को देखेंगे, आंखों को टिमटिमाना नहीं है, टकटकी लगाकर देखें, जब तक आंखों में पानी न आए तब तक देखते रहें, लगातार देखते रहें, पानी आते आंखें बंद, रिलैक्स। इस तरह इसको 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं हम। दोनों हथेलियों में घर्षण करें, करें घर्षण, गरम करें, तेजी के साथ करें, करें गरम, करें गरम, और तेजी से आंखों पर स्थापित दोनों हथेलियां
हल्के स्पर्श से मालिश स्मूथली और हल्का स्पर्श एकदम स्मूथली मालिश अतिलोक उष्मा आंखों तक पहुंचे संपन्न। एक बार और घर्षण करें अतिलोक में तेजी से और तेजी से हथेली में गड्ढा संपुट का आकार आंखों पर स्थापित आंखें बंद अंदर सघन अंधेरा भावना करें आंखों की रोशनी बढ़ रही है आंखों के सभी विकार दूर हो रहे हैं अंदर सघन अंधेरा। अब इस अंधेरे में आंखें खोलकर तेजी से टिमटिमाएं धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाते हुए अंगुलियों के छिद्रों से प्रकाश देखते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर देखें फिर आंखें खोलें और सामने की ओर आए। अब प्रातःकाल उठते ही हमें विशेष तौर से हथेली का गड्ढा बनाकर उसमें पानी लेना चाहिए और आंख में उसमें आंख टिमटिमाना चाहिए। ठंडा पानी मटके का पानी लेकर आंखों को टिमटिमाए फिर यही क्रिया दूसरी आंख से, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है आंखें अच्छी होती है और आंखों की सब बीमारियां इससे दूर हो जाती है। अब प्रातःकाल जैसे हम उठते हैं तो हमारे पूर्वजों का ये मत है और उनका कहना है अगर बासी थूक आंखों पर अंजन करते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। जीवा से बासी थूक लीजिए और आंखों में काजल की तरह अंजन करिए, इस तरह दोनों आंखों में बारी बारी से अंजन करिए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों के रोग दूर होते हैं, ज्योति बढ़ती है, एनक के नंबर नहीं बढ़ते हैं, एनक की जरूरत नहीं रहती। और कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए, आंखों को तेज धूप एवं हवा से बचाएं, धूल और धुएं से आंखों को की सुरक्षा करें, चलते हुए न पड़ें, लेट कर कम रोशनी में न पड़ें, चलते वाहन में बैठ कर न पड़ें। यदि इतने प्रयोग हम नियमित करते हैं तो हमारी आंखें सेफ रहती है, क्योंकि आंखों के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है, आंखों से अच्छा दिखता है, तो हम सब कार्य कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गर यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में चार चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।